all lovely viewers, this is Marfa Nawaz Ahmed and you all are watching my YouTube channel. So friends, finally मैं आज बहुत दिनों के बाद कहीं घूमने के लिए निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए वहाँ का ब्लॉग बना लूँ. तो दोस्तों, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही निकल रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है ना, मेरा कहीं निकलने का मन हो नहीं रहा है. तो मैं जा रही हूँ दोस्तों मिलेनियम पार्क ऑफ कोलकाता, जो बहुत ज़्यादा दिन से बंद था, वहाँ पर जाती हूँ और जाकर पूरा डिटेल्स आप लोगों को वहाँ का देती हूँ कि मतलब अभी क्या कंडीशन है. बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा दिन से मिलेनियम पार्क जो है ना वो बंद था, और फाइनली मुझे खबर मिला है कि मिलेनियम पार्क जो है ना वो अभी ऑन हो गया है. तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, चलकर देखते हैं कि क्या सच में मिलेनियम पार्क खुल गया है. तो जैसा रहेगा ना डिटेल्स दोस्तों, मैं आप लोगों को वहाँ पर दूंगी. तो मेरे साथ बने रहिए, कीप ऑन एंजॉयिंग माय वीडियो. फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है वो टैक्सी ले लिया है, मतलब कि मैंने ओला बुक कर लिया है मिलेनियम पार्क जाने के लिए. और मैं और अहमद दोनों मिलेनियम पार्क के लिए निकल रहे हैं. तो वहाँ पहुँच कर दिखाती हूँ दोस्तों आप लोगों को वहाँ का टिकट का क्या प्राइस है, और भी सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगी. तो मेरे साथ बने रहिए. फ्रेंड्स, बस मैं मिलेनियम पार्क पहुंचने वाली ही हूं. बस मैं उतर कर आप लोगों को वहां का पूरा फुल डिटेल्स दिखाती हूं. तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि फाइनली मैं जो हूं ना मिलेनियम पार्क आ चुकी हूं. और ये क्या मैं देख रही हूं, ओहो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेन गेट में क्या लगा है. तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल में जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और मैंने गूगल में देखा था कि मिलेनियम पार्क इज़ ओपन, बट मुझे यहाँ आने के बाद में पता लगा कि मिलेनियम पार्क जो है ना वो बंद है. आप लोग टिकट काउंटर देख लो. तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लो, वो जो मेन गेट है ना उसमें भी ताला लगा हुआ है, और बहुत सारे लोग ना आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि गूगल में मैंने सर्च किया था मिलेनियम पार्क लिख के और वहाँ पे ओपन दिखा रहा था. तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए. प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने आते जाते देखा है कि मिलेनियम पार्क ऑन है. हो सकता है दोस्तों उनको लोगों को भी धोखा हो गया हो, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा है मिलेनियम पार्क में कि किसी को भी धोखा होगा कि मिलेनियम पार्क खुला है. तो फ्रेंड्स, मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि मिलेनियम पार्क जो है ना वो परमानेंट क्लोज हो गया है, क्योंकि गूगल में दिखा रहा है कि वो ऑन है. लेकिन यहाँ आकर देखिए मुझे देखने को क्या मिल रहा है. वो पार्क जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि वो क्लोज है, ठीक है. उसके बाद में मैंने दादा भाई से पूछा, वो भी उन्होंने भी कहा कि पार्क जो है ना वो क्लोज है. और उसके बाद में वो देखिए मेन गेट में उन लोगों ने क्या लगाया है, मतलब बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं ना दोस्तों मेरी ही जैसे. उन लोगों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है गूगल में कि ये जो मिलेनियम पार्क है ना वो खुला हुआ है, लेकिन मिलेनियम पार्क जो है ना वो बंद है. और आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ जो टिकट काउंटर है ना इसमें जंग खा गया है. क्या किया जा सकता है दोस्तों. तो मैं अब निकल रही हूँ दूसरी तरफ, शायद कोई दूसरी जगह घूमने का मिल जाए तो मैं आप लोगों को वहाँ का ब्लॉग बनाकर दिखा दूँ. तो मेरे साथ बने रहिए. तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग आ गए हो ना तो आप विवाड़ा क्रूज़ में जा सकते हो, प्लस ये जो 39 वाला क्रूज़ है ना WBTC वाला, उसमें भी जा सकते हो. क्योंकि आना अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो, मैंने पिछले बार भी वो वाला ब्लॉग बना लिया है, तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ दोस्तों. तो जिन लोगों ने मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा. सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मिलेनियम पार्क जो है ना वो क्लोज़ है, परमानेंटली क्लोज़ है या टेम्पोरेरी क्लोज़, आई डू नॉट रियली नो. मुझे नहीं मालूम कि कब खुलेगा. बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, माँ बाप भी आते हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा झूला है. तो बच्चों के अम्यूज़मेंट के लिए दोस्तों के बच्चे यहाँ से खाली हाथ ना लौटे, निराश होकर ना लौटे, इसलिए शायद गवर्नमेंट ने ये वाला जगह में ऐसा लगा दिया है बच्चों के खेलने के लिए. मैं पिछले साल अपने पापा के साथ आई थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अब मेरे पापा तो है नहीं, तो मैं यहाँ घूम फिर कर आती रहती हूँ कि याद ताज़ा हो जाए. लेकिन जब आती हूँ तब मिलेनियम पार्क भी नहीं खुला रहता है. बाहर ही से देख लो दोस्तों, ये है मिलेनियम पार्क. जो मेन एंट्रांस गेट है वो बंद है. आप लोग देख लो, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, और यहाँ पे झूठ झूठ का इतना बड़ा खेलने का बच्चों का लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर देखने के लिए. लेकिन अफसोस के उन लोगों को भी खाली हाथ जाना पड़ रहा है. तो कम से कम यार गूगल में ना करेक्टिफाई कर देना चाहिए कि मिलेनियम पार्क इज क्लोज, क्योंकि मैंने देखा कि मिलेनियम पार्क खुला है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ. ये देखिए बाहर ही से देख लो, मुझे नहीं लगता है कि मिलेनियम पार्क खुलेगा, क्योंकि एज यू ऑल नो मिलेनियम पार्क लॉकडाउन से बंद है दोस्तों, और कंटिन्यू बंद है, अभी तक नहीं खुला है. ये देखिए मेन गेट, ये देखिए, ठीक है.
पार्क से अपने घर में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता लग ही गया होगा मेरा मिलेनियम पार्क वाला अभी का ब्लॉग देखकर कि मैं गई थी मिलेनियम पार्क एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मिलेनियम पार्क जो है वो खुला नहीं है, अभी भी बंद है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।